नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों चुनावी यात्रा हमारी चल रही है और ये यात्रा करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं अमरोहा लोकसभा सीट, जहां पर आज बड़ी रैली की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों ही एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पीछे जो हमारे मंच आप देख पा रहे होंगे, अखिलेश यादव मंच पर पहुँच चुके हैं और राहुल गांधी मंच पर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन अमरोहा लोकसभा सीट दोस्तों, अमरोहा वो क्षेत्र जहां से बहुत शायर निकले, जहां पर ढोलक की थाप पूरी दुनिया में सुनाई देती है, जहां की ढोलक की थाप पूरी दुनिया में सुनाई देती है, वो जगह पर, उस जगह पर हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। दानिश अली इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं अमरोहा लोकसभा सीट से। दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें दानिश अली ने जीत दर्ज की थी बीएसपी के टिकट पर। उस 2009 की अगर हम बात करते हैं, तो उस साल भी यहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था और तब जाकर दानिश अली ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और बीएसपी ने अपना एक अलग प्रत्याशी उतारा हुआ है। ग्राउंड पर कितनी फाइट है, वही जानने के लिए हम लोग यहां पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो 2024 में पिछली बार जो प्रत्याशी थे कंवर सिंह तंवर, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है। कंवर सिंह तंवर को ही दानिश अली ने पिछली बार हरा दिया था और 2024 में बीजेपी ने एक बार फिर से कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। कंवर सिंह तंवर कितना कमाल करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी अमरोहा लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। अब आरएलडी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो आरएलडी भी यानी कि जयंत चौधरी भी अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे, जो जाट वोटर हैं वो किधर जाएंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। दानिश अली पहले बसपा से थे, फिर उनको निलंबित कर दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी से उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। फोटो भी हमारे सामने आई थी राहुल गांधी और दानिश अली की एक साथ, और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दानिश अली पर भरोसा जताएगी अमरोहा लोकसभा सीट पर। मायावती की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, तो डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई को टिकट दिया गया है। यानी कि एक तरफ मुस्लिम प्रत्याशी दानिश अली है, दूसरी तरफ बीएसपी ने भी यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोटर है, क्या वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं दोस्तों। तो ये एक दिलचस्प लड़ाई होती दिखाई दे रही है और अब अमरोहा लोकसभा सीट पर यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं पता, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है ग्राउंड पर। दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं अमरोहा लोकसभा में, हसनपुर, धनौरा, नौगावा सादात और गढ़मुक्तेश्वर। तो ये 5 विधानसभा सीटें आती हैं अमरोहा लोकसभा सीट में, और अगर हम आपको बताएं तो अमरोहा, नौगावा, सादात मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है इन 2 विधान सीटों पर। कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अमरोहा और नौगावा सादात, ये मुस्लिम यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम वोट बैंक जिसको चाहता है यहाँ पर सत्ता पद तक पहुँचाता है, उसकी जीत सुनिश्चित होती है। धनौरा सीट की अगर हम बात करें, तो एससी सुरक्षित सीट है, यानी इस लोकसभा क्षेत्र में दलित वोटर का भी प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। जाट, गुज्जर, सैनी, खडवंशी जैसी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो वो उनका भी प्रभाव इस सीट पर देखने को मिलता है। तो ये एक कहा जा सकता है कि यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का जो है वो निर्णायक भूमिका में है और बाकी जातियाँ बाकी विधानसभा सीटों पर हैं। तो ये पूरा हम आपको जातीय गणित समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बैठाकर प्रत्याशी उतारा गया है। तो अब देखना ये है कि बीएसपी यानी कि मायावती कितना खेल बिगाड़ पाती हैं, कितनी मजबूती से उनका प्रत्याशी उतरता है, और पूरा जोर यहाँ पर लगाया जा रहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से। दोस्तों जब इंडिया गठबंधन बना, तो उसके बाद से ये पूछा जा रहा था, सवाल उठ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनावी जनसभा एक साथ कब करेंगे, और ये पहली जनसभा है, पहली चुनावी रैली है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई देंगे। इससे पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगरा में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए थे, उसमें अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक साथ
दिखाई दिए थे उस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दिखाई दिए थे एक साथ, और उसके बाद अब ये चुनावी सभा की जा रही है, जनसभा की जा रही है, जिसमें एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये रैली, ये जनसभा कितना असर ग्राउंड जीरो पर डाल पाएगी, ये दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया।